नहीं पॉलिटिशियन से नहीं, कैसा है कि यूनिवर्सिटी के अंदर जो है तो इंडिविजुअल में मेरे नाम से एप्लीकेशन करा तो वो प्रेशर नहीं पड़ता था। ये मैं गाड़े साहब के पास मैं काम कर चुका पैंथर रिपब्लिकन पार्टी में, तो ये संगठन वाले सब मेरे दोस्त हैं, उनके उस पर भी ये काम करा गया। हाँ नाम डाले ना उनका, लेटर में उनका नाम है तो नाम डाले। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंडिविजुअल हमारे वकील साहब ये केस देख रहे बोल के, वकील साहब साथ में साथ में है हमारे साथ में है। अभी आप हमें वो लड़की का नाम बताइए और कौन से देश से वो अफगानिस्तान की है। उसमें ऐसा है कि ये मुद्दा इंटरनेशनल मुद्दा हो गया, उसका नाम है काकर खातेमा नूर मोहम्मद, वो लड़की का नाम है। वो बीएससी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फेल होने के बावजूद उसको 0, 1, 2 ऐसे मार्क मिले। ये कमेटी ने जब इंक्वायरी करी तो उसमें उनका निकला अफगानिस्तान से। तो उसमें ऐसा हुआ कि इसको जो है तो सहानुभूति पूर्वक ये लड़की अफगानिस्तान से सिर्फ पढ़ने के लिए आई है बोल के उन्होंने उसको कैरी फॉरवर्ड किया। वो जब मंजर यहाँ पे बात आई तो वो टाइम में इंक्वायरी कमेटी बैठी, इंक्वायरी कमेटी ने उसका एडमिशन रिजेक्ट कर दिया। उसके बावजूद कॉलेज ने जो है तो उसको फीस भर के उसको एडमिशन दे के उसका एग्जाम पास होने के बाद उसको डिग्री दिला के कॉलेज ने रिसीव करा डिग्री। वो बच्ची तो यहाँ थी भी नहीं, वो अफगानिस्तान में थी, उसको डिग्री पहुँचा के उसको क्लियरिफिकेशन का सर्टिफिकेट तक दिया गया। आप इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं लेकिन वो बच्ची के एग्जाम के कहीं पर भी रिजल्ट के डॉक्यूमेंट आपने इसमें नहीं लगाए कि उसको परसेंटेज कम आने के बावजूद उसको पास किया। इसमें मैंने जो इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट लगाया ना, हाँ तो वो उसके नहीं नहीं परसेंटेज का 2 नंबर और 3 नंबर को परसेंटेज का आता, 2 नंबर 3 नंबर को परसेंटेज नहीं आता था, ये सीधा फेल रहता। ये वाला जो पेज है आप देख सकते हैं यूनिवर्सिटी की इंक्वायरी कमेटी का, उसके अंदर जो है तो आपको कॉलम नंबर 3 में पद का ई में मिलेगा, वरिल त्यांचा निकाला तफशील बगितल्या सर्व विषय 0, 2, 3 असे मार्क आए। तो इसमें कोई परसेंटेज नहीं आता, वो ऑलरेडी फेल थी फर्स्ट ईयर, ये 19 का है, उन्हें 16-17 से एडमिशन ली थी, 16-17 में फेल है, 17-18 में फेल, 19 में उसको सहानुभूति पूर्वक थर्ड ईयर को एग्जाम दिला के उसको पास करा दिया। फेल नहीं 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 पहले फेल थी, वो क्लियर करे बगैर ऐसा कायदा ही नहीं है कि थर्ड ईयर को तुम बैठ सको। 80-80 अगर रहा फर्स्ट ईयर तो सेकेंड ईयर में वो फर्स्ट वाला तुमको क्लियर करना पड़ता। इसमें सीधा सीधा मदर फारूक रिवर टाइम के डीन थे और अभी वो प्रिंसिपल है, नौखंडा के प्रिंसिपल थे, ये पूरा उनके साइंस से हुए भाई। तो बच्चे भी इंडिया में नहीं, नहीं अफगानिस्तान में, उसको भी जो है तो यूनिवर्सिटी ने मेल कराया, उसको भी इंक्वायरी कमेटी में हाजिर रहने का एप्लीकेशन उन्होंने कर दिया, मगर वो तो इतनी दूर से आना मुमकिन नहीं था। मदर फारूक कमेटी के सामने थे और कमेटी ने ये फैसला लेके उसकी डिग्री रिजेक्ट करके इनको 15 दिन में उसका खुलासा मांगे। अभी हमारा बोलना ये है कि ऐसे काम और होना नहीं चाहिए जिससे हिंदुस्तान का नाम खराब हो सकता होंगे। जब ये हुआ तो और भी हो सकते, जब ये हुए तो और भी हो सकते। देखिए हम लोगों का तो जो है, हम लोगों का है कि इसमें जो भी हुआ है वो गलत तरीके से हुआ है और इलीगली हुआ है, तो इस वजह से हम लोगों ने कोर्ट में प्रोसीडिंग फाइल की हुई और वो अभी सब जुड़ाइज है। जब तक कोर्ट उसके ऊपर कोई जजमेंट नहीं देता है तब तक उसके बारे में कुछ बोलना सही नहीं रहेगा। रही बात बाकी यूनिवर्सिटी की तरफ से जो आया हुआ ठहराव है उसके हिसाब से तो उसकी डिग्री कैंसिल हो गई है। सर जो आरोप लगा है अगर वो साबित हो जाता है तो ये इनके बच्चों का फ्यूचर का क्या होगा? ऐसे बहुत से लोग सामने हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि जो कैपेबल नहीं है और उनको भी पास कराया जा रहा है तो उन लोगों का फ्यूचर तो हमेशा ही अंधेरे में है। तो या तो बच्चों ने खुद को स्केल अप करना चाहिए। लेकिन आपको कहां पे बात करना पड़ी, कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है? कोर्ट में जाने की जब यहाँ से काम है नहीं, क्राइम है ना, ये क्राइम है, एजुकेशन का नहीं है मामला, ये इन्होंने क्राइम करे, जिसका कायदा नहीं है उसको उन्होंने कायदे में बिठाए इनकी साइनों से। तो जब पुलिस ने कार्रवाई नहीं करी, सीपी ने कार्रवाई नहीं करा, जब हम कोर्ट में सीपी के उसमें लगाई हुई कॉपी सब लगी हुई। लेकिन पुलिस का क्या बोलना है? अब पुलिस का आप कोर्ट से पूछेंगे ना, अब पुलिस के पास क्यों जाएंगे? पुलिस वालों को आपने जब कंप्लेंट लिखी होगी तो पुलिस ने कुछ वो बोलते हैं हम चौकशी कर रहे हैं, चौकशी कर रहे हैं। जब 15 दिन नहीं हुआ तो हमने उसके बाद हम कोर्ट चले गए। अच्छा, अब सीपी साहब
सीपी साहब से भी मुलाकात हुई थी, उन्होंने बोले थे मैं उनको रिमाइंडर देता, अगर इसमें कहीं ना कहीं ये जो दबाया जा रहा है उसमें कुछ ना कुछ बात है, जब ये मुद्दा अभी तक दब रहा था। अभी आपका क्या बोलना है, पोस्ट से रिजाइन नहीं, अगर उन पर एफ आई आर होती है तो वो खुद हट जाते, एफ आई आर होती है उन पर तो वो खुद हटना पड़ता है। जैसा मुजर साहब का मैटर आ रहा है सामने, कहीं ना कहीं जो भी अंदर हुआ होगा वो तो पता नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं उसके जिम्मेदार उसके पेरेंट्स भी हो सकते, बच्चे के पेरेंट्स भी हो सकते, एक ही बच्ची नहीं और भी बच्चे सामने आएंगे आपके, तो क्या पेरेंट्स के खिलाफ भी जाएंगे? देखिए पेरेंट्स, एक तो वो अफगान की बच्ची है, उसके पेरेंट्स को ये पता है या नहीं ये हम लोग नहीं जानते, दूसरा वो बच्ची का इन्वॉल्वमेंट है या नहीं ये भी हम आज नहीं बोल सकते, क्योंकि बच्ची ने रिक्वेस्ट की है, तो अगर मेरे पास आकर कोई कुछ इल्लीगल करने के लिए बोलता है तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं करूँ या ना करूँ, आप उसको नहीं दोषी करार कर सकते, तो इसलिए आज तो ये बोलना बहुत ही मुश्किल है। हाँ, अगर इसमें कुछ पैसों का लेन देन है या कुछ है जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में ही पता चल सकता है, उसके सिवा तो ये पता नहीं चलेगा, जब वो इंटरोगेट होंगे तो ये पॉसिबिलिटी हम लोग कभी भी ना नहीं बोल सकते, नहीं ये पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है, ये पॉसिबिलिटी, लेकिन नहीं वकील साहब की तरफ से है, ये वकील साहब वही केस देख रहे हैं, पूरी स्टडी है, वकील साहब किसका पक्ष दे रहे हैं? पक्ष का नहीं है, जो सही है वही करेंगे ना वकील साहब, पक्ष लेने का सवाल ही नहीं। कॉलेज में बताया या कब की घटना है और कब हुआ था ये, और आपको कब पता चला, आप कब इन्वॉल्व हुए? ये जनवरी से कर रहे हैं अपन, पिछले ये साल की जनवरी, पिछले साल जनवरी में चाहे तो आप विद्यार्थी थे ना आपके साथ, ये हमारे साथ है। दूसरे पेरेंट्स को क्या मैसेज देंगे सर? पेरेंट्स ने भी और कॉलेज ने भी गलत कामों के साथ रहना नहीं, पेरेंट्स ने कैपिटेशन फी नहीं देना चाहिए जहाँ पे उनको लगता है कि ये जो है इलीगल है एडमिशन्स के लिए या एग्जाम्स के लिए, तो उन्होंने खुद अपोज करना चाहिए।